उत्तर प्रदेश के जनपद शामली कांडला क्षेत्र के गांव किवाना के प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में 1 मार्च 2021 से शासन की ओर से शुरू होने जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय खोले जाने के संबंध में अभिभावकों को जागरूक करने के लिए शासन की योजनाओं, मिशन, प्रेरणा तथा सहायक शिक्षण सामग्री, स्पोर्ट्स पुस्तकालय आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजेंद्र कुमार बाल्यान ने मिशन प्रेरणा तथा शिक्षण में TLM के प्रयोग की उपयोगिता के बारे में बताते हुए उपस्थित सभी अभिभावकों और ग्रामीणों को बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानाध्यापक अजय तोमर एवं समस्त स्टाफ की भूरी-भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर DC बालिका शिक्षा राजीव देशवाल ने अभिभावकों को उनकी जिम्मेदारी समझाते हुए आगामी 1 मार्च को बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में भेजने पर जोर दिया। ARP अजय पवार एवं पंकज कुमार प्राथमिक विद्यालय अजयपुर के प्रधानाध्यापक प्रवीण चौधरी एवं प्राथमिक विद्यालय मकमूलपुर के प्रधानाध्यापक हरीश कुमार ने अपने संबोधन में सभी को जागरूक किया। आपका नाम? मेरा नाम अजय पवार है सर। आज यहाँ गाँव में ये क्या प्रोग्राम हो रहा है? गांव किवाना के प्राथमिक विद्यालय किवाना नंबर 2 में एक TLM प्रदर्शनी की गई है और यहाँ के स्टाफ द्वारा, समस्त स्टाफ द्वारा जो है दीवार पर TLM बनाए गए हैं जो काफ़ी रोचक है और उन्होंने यह सिर्फ अपने बच्चों के लिए शिक्षण कार्य को उत्कृष्ट और आकर्षक बनाने हेतु उनका एक सफल प्रयास है, जिससे बच्चे जो हैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद सर। ये आज क्या प्रोग्राम हो रहा है? ये TLM मेले का आयोजन किया गया है जो बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री है उसको कक्षा कक्ष में समझने में, खेल खेल से समझने में उसे सहायता प्रदान करती है। तो उस तरह के हमारे सभी विद्यालय, सभी अध्यापक अपना प्रयास कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी इसकी प्रदर्शनी हुई और यहाँ के प्रधानाचार्य और ये अन्य अध्यापक, शिक्षा मित्र और अध्यापक अजय तोमर द्वारा ये अपने निजी प्रयास से, व्यक्तिगत प्रयास करते हुए विद्यालय लेवल पर भी एक अन्य प्रोग्राम ये किया गया है। इससे पहले ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके हैं और इस न्याय पंचायत के और विद्यालय के बच्चों के लिए जितनी ये अपने कम से कम कोस्ट से, अपने निजी प्रयास से सामग्री बना सकते हैं उनकी सहायता के लिए, तो ये उस मेले का आयोजन बच्चों में और अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका नाम सर? अजय तोमर। ये तोमर साहब, ये क्या प्रोग्राम करा रहे हैं आप गांव में? ये प्रोग्राम सर कोविड के कारण जो हमारे विद्यालय बंद चल रहे थे बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए, वो शासन के निर्देशानुसार आगामी 1 मार्च से खुल रहे हैं। तो हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के जो निर्देश थे और हमारे ARP महोदय के सहयोग से, उन्होंने गांव वालों को ये जानकारी देने के लिए कि हमने जो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सहायक सामग्री हमारे स्टाफ ने पूरे बनाई है, तो उनके बारे में उनको बताने के लिए कि बच्चों का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है। ऑनलाइन क्लास है हमारे यहाँ पे, हम ऑनलाइन क्लास भी चला रहे हैं, सामग्री हमारे पास है और 1 तारीख से जो गाइडलाइन सरकार की आई है वो उनके बारे में इनको बताने के लिए कि बच्चों को कैसे भेजना है, किस तरीके से उनको सावधानियां बरतनी है, वो सब जानकारी उनको हम इसमें देंगे। जी, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रिपोर्टर अख्तर कुरैशी।